हाय एवरीवन, आज आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, सूदिंग और गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आम पन्ना की रेसिपी। तो यहाँ मैंने दो कच्चे आम ले लिया है, कुकर में मैंने पानी डाल दिया है। अब चार विसल देके हम आम को गला लेंगे। अब लीड हटा के हम देख लेंगे कि आम अच्छे से गला है कि नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आम बहुत ही अच्छे से गल गया है और इसका छिलका जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो हम सारे आम को जो है पानी से पहले सेपरेट कर लेंगे और जो पानी में बिखरा हुआ आम है उसे भी हम छन्नी से पानी से सेपरेट करेंगे। यहाँ पर गर्म रहते ही हम पल्प को अलग कर लेंगे। पहले जो है छिलका से अलग करेंगे, छिलका हम पहले नहीं फेंकेंगे, छिलका से जो है पल्प अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो गुठलियाँ हैं यानी कि आम का सीड्स है उससे भी पल्प को हम अलग करेंगे। दोस्तों, पहले ही हम डायरेक्टली आम पन्ना नहीं बनाएंगे, पहले आम पन्ने का कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा जो है पल्प हमारा रेडी है। तो पहले ही बनाते हैं आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया है। अब सारे जो आम के पल्प हैं हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। दोस्तों, ये गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और मैंने काफ़ी आसान तरीके से इसे शेयर किया है। अब यहाँ पर डाल देंगे हाफ कप चीनी और आम के पल्प के साथ हम चीनी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सिंग जार में और अच्छे से मिक्स हो सके। नहीं तो ये जो चीनी का ग्रैन्यूल्स रहता है वो अक्सर ग्रैन्यूल्स ही रह जाता है। तो अब इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है चीनी और आम का पल्प बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बाहर से कोई ड्रिंक ना खरीद के घर में आम पन्ना इजीली बना सकते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। अब यहाँ पर हम डाल देंगे एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये भी होममेड है। हाफ टी स्पून डालेंगे ब्लैक सॉल्ट और हाफ टी स्पून डालेंगे पेपर। अब सारे चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट, वो भी होममेड, बिल्कुल रेडी। इसे आप इजीली फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं आम पन्ना। यहाँ मैंने 3 से 4 पुदीना के पत्ते ले लिया है। वहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते को डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट के साथ मिक्स नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लोगों को पुदीना का जो फ्लेवर है नहीं पसंद होता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है बॉडी के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीने का पत्ता मैश कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों, इस गर्मी में इसे ज़रूर अपने मेन्यू में रखें, हर रोज़ खाएँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है। यहाँ मैंने 2 टीस्पून कॉन्सेंट्रेट डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं चिल्ड पानी। आप चाहे तो नॉर्मल पानी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो आम पन्ना का रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 रेसिपी शेयर की है, एक तो कॉन्सेंट्रेट बनाने का और दूसरा आम पन्ना। आई होप अभी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा रेसिपी। और अगर मेरे रेसिपीज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।